नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कि हम अपने जीवन में सही करियर का चुनाव कैसे करें, क्योंकि अगर हमने जीवन में सही करियर पकड़ लिया तो हमें सफलता के शिखर तक पहुंचने तक कोई भी नहीं रोक सकता है। तो देखो क्या होता है कि अक्सर हमें सिखाया जाता है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उस करियर को चुनिए, जिसकी मार्केट में डिमांड है आप वो करियर ले लीजिए, आप अपनी कैपेसिटी को देखिए, अपना शॉर्ट एनालिसिस कीजिए और फिर उसके बेसिस पे आप अपना करियर चुन लीजिए। तो बहुत सारे लोग आएंगे और आपको बहुत सारी एडवाइस देके जाएंगे। तो क्या हमें अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनना चाहिए, क्या हमें जिसकी मार्केट में डिमांड है उस विषय से रिलेटेड करियर चूज करना चाहिए, तो आखिर अपने सही करियर का चुनाव कैसे करें? अगर आपकी भी यही समस्या है तो जुड़े रहिए, मिलती हूं और बताती हूं आपको कि कैसे हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से ये निकाल सकते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर वन ऑफ द बेस्ट करियर रहेगा जिसमें आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करें। जुड़े रहिए। आइए समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष से हम अपने करियर का चुनाव कैसे करें। सिर्फ आपको पता होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ। कई लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ, मैम जो सर्टिफिकेट में है या हमारी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। आपको न्यूमरोलॉजी में हमेशा अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लेनी है, जिस समय जिस दिन पे जिस डेट को आपका जन्म हुआ है वो ओरिजिनल डेट आप लेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये कैसे जाने कि आपके लिए बेस्ट करियर क्या है जिसका चुनाव करके आप सफलता के शिखर पे पहुंच सकते हैं। वेलकम बैक। आज का टॉपिक है बहुत ही ज्यादा स्पेशल, ऐसा टॉपिक जिसका अभी तक यूट्यूब में कहीं पे भी किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट ने डिटेल में वर्णन नहीं किया है, एक्सप्लेन नहीं किया है, और जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा लोग कंफ्यूजन में हैं कि उन्हें कौन सा करियर कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। क्या आप जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में देखकर भी ये पता लगा सकते हो कि आप कौन सी चीज करने के लिए बने हुए हो, कौन सा ऐसा करियर आप चूज करोगे जिससे आपको सफलताएं बहुत जल्दी मिलने लग जाएं और आप सफलता के शिखर पे पहुंच जाओ। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जरूर आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो कोई साधारण डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी डेट ऑफ बर्थ है। आपके भविष्य के हर सवाल, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, आपके संतान से रिलेटेड, आपके विवाह से रिलेटेड, सारे सवालों का आंसर आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है। और एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को देख के आपको आपके जीवन के विषय में बहुत कुछ गाइड कर सकता है। तो करियर को कैसे चूज करें, आज का हमारा टॉपिक है। न्यूमरोलॉजी की मदद से हम कैसे अपने करियर में सफलता पा सकते हैं। हाँ, अंक ज्योतिष के थ्रू हम ये कैसे जानें कि हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट करियर क्या रहेगा जिसको हम चूज करके सफलता के शिखर पे पहुंच सके। इतना ही नहीं, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। इसमें भी ये वीडियो का कन्वर्सेशन आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है अपने बेस्ट करियर को चूज करने के लिए, आपको पता होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका जन्म कौन सी तारीख को हुआ है। यदि आपको सिर्फ इतना पता है तो आप अपना बेस्ट करियर निकाल सकते हैं। बहुत ही शानदार कन्वर्सेशन होने जा रहा है। सारे डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं बात करूंगी कि आपका जन्म पहली तारीख से लेकर 31 तारीख तक हुआ है तो आप कौन से करियर करने के लिए बने हुए हैं, आप में क्या स्किल्स ऐसी है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज करेंगे और उसमें आपको सफलता मिल सकती है। ये सारा कन्वर्सेशन इसी वीडियो में होने जा रहा है और अंत में मैं आपके साथ में एक बोनस टिप भी शेयर करूंगी। देखिए, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप अपने भविष्य की बहुत सारी घटनाओं के बारे में पहले से ही पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ में आप कितने सक्सेसफुल होंगे, आपके पास में कितनी प्रॉपर्टी होगी, धन कितना आपके पास में होगा और आप का पार्टनर कैसा होगा, आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये सारी बातें भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से पता कर सकते हो। पर आज का हमारा विषय है कि डेट ऑफ बर्थ से हम अपने जीवन में सही सब्जेक्ट कैसे चुनाव करें और सही करियर का चुनाव हम कैसे करें। तो बात करते हैं सबसे पहले नंबर के बारे में, जो है हमारा नंबर वन, यानी कि यदि आपका मूलांक नंबर वन पे आ जाता है या आपका भाग्यांक यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके नंबर वन पे आ जाता है तो आपके लिए कौन से प्रोफेशन बेस्ट रहेंगे। अब किन लोगों का मूलांक नंबर वन होता है, देखिए, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक नंबर वन रहेगा। दूसरा, यदि आपका जन्म जनवरी के महीने में हुआ है तो भी आप इन करियर को चूज कर सकते हैं। यदि आपका भाग्यांक यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके वन आ जाता है
तो भी आपको ये करियर करने चाहिए। कौन से हैं वो करियर, देखिए नंबर वन वाला व्यक्ति पहले तो जानिए कि किस प्लैनेट से गवर्न होता है, वो होता है प्लैनेट सूर्य से गवर्न। तो सूर्य क्या है, ग्रहों का राजा है, तो यानी कि ये लोग भी किसी का डोमिनेशन पसंद नहीं करेंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा बने रहेंगे, कड़ी मेहनत करने वाले लोग होंगे। सूर्य को रिलेशन में फादर से भी जोड़ा जाता है, जिसे हम कहेंगे ऐसा व्यक्ति बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और साथ साथ में कुछ स्पेशल ट्रेड्स के साथ में आता है ये व्यक्ति। क्या है वो स्पेशल ट्रेड्स, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होता है, बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट रहना पसंद करता है, खुले विचारों वाला होता है ये व्यक्ति, सेल्फ सफिशिएंट होता है ये व्यक्ति, बहुत ज्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होता है अपने काम के लिए ये व्यक्ति। हमेशा आप ऐसे व्यक्ति में देखोगे कि इनमें इनिशिएट करने की, लीडरशिप की क्वालिटी जो है हमेशा रहेगी, ये हमेशा नंबर वन बनना चाहते हैं। आगे बात करते हैं ऐसे लोगों के लिए कौन सा करियर बेस्ट रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति उन जॉब में बहुत ज्यादा सफल होगा जहां पे लीडरशिप की बात की जा रही है, जहां पे क्रिएटिविटी की बात की जा रही है, जहां पे कुछ इनोवेशन की, नया करने की बात की जा रही है। तो ऐसे कौन से प्रोफेशन है, देखिए अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा, हमारे ऐसे प्रोफेशन है एडमिनिस्ट्रेटर का प्रोफेशन, प्लानिंग से जुड़ा हुआ कोई प्रोफेशन, डिजाइनिंग का कोई प्रोफेशन, ऑथर्स का कोई प्रोफेशन, लीडरशिप के रोल में ये लोग बहुत ही आगे तक जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से ये लोग जुड़ सकते हैं, कोई भी ऐसा काम जहां पे ये लोग अपनी राय दे सके, अपनी स्ट्रैटेजीज बना सके। सीईओ लेवल पे देखेंगे आप ऐसे लोगों को, एमडी लेवल पे देखेंगे ऐसे लोगों का, गवर्नमेंट से भी जुड़ाव हो सकता है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में भी ये लोग हो सकते हैं, गवर्नमेंट में किसी अच्छी पोजीशन पे ये लोग हो सकते हैं। और साथ ही साथ में ना ये लोग दूसरों का डोमिनेशन नहीं पसंद करते हैं, तो ये खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। और अक्सर इनको मैं सलाह दूंगी, यदि आपके फादर भी किसी बिजनेस में है ना, तो वो बिजनेस आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके पीछे का एक कारण उसे समझ, क्योंकि नंबर वन दिखाता है रिलेशनशिप में आपके फादर को। तो अगर आप फादर के बिजनेस को आगे लेके जाते हैं ना, तो साथ में आप अपना कोई बिजनेस भी कीजिए, फादर के बिजनेस को अगर आगे लेके जाएंगे तो जिंदगी में बहुत ही ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। तो जिन लोगों का भी जन्म 1/10/19 या 28 को हुआ है, या आपका बर्थ मंथ जनवरी है, और साथ साथ में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल, यानी कि आपका जो भाग्यांक है, वो नंबर वन पे आ जाता है, तो आप को ये करियर जरूर अपनी लाइफ में चूज करने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अब दूसरे नंबर के बारे में, अब बारी है नंबर टू वालों की। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2/11/20 या 29 को हुआ है, या आपका बर्थ मंथ फरवरी आ जाता है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जिसे हम कहते हैं भाग्यांक नंबर टू पे आ जाता है, तो आप कैसे हैं और आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए अपनी जिंदगी में सफलता के लिए, इसी विषय में डिस्कस करने जा रही हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारी फैमिली ब्लेस योरसेल्फ से। अब नंबर टू वाला व्यक्ति बिल्कुल मून प्लैनेट की तरह होता है, यानी कि बहुत ज्यादा शीतलता प्रदान करने वाला, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव। नंबर टू को हम रिलेशन में मदर से जोड़ते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा नर्चरिंग, केयरिंग और अच्छे फ्रेंड होते हैं नंबर टू वाले। बातों में एक अजब सी मिठास होती है ऐसे लोगों की, बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, डिप्लोमेटिक थोड़े सा होते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग दूसरे के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं और एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके दूसरों के इमोशंस को ना ये लोग हर्ट नहीं करना चाहते हैं। साथ ही साथ में ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं और एक बहुत ही अच्छे हीलर और लिसनर देखे गए हैं ऐसे लोग। तो आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन सा रहेगा? तो देखो नंबर टू हमने कहा है कि मदर को दिखाता है, और ऐसे लोग ना नंबर टू वाले हमेशा पीछे से रह के काम करना पसंद करते हैं, इनमें हीलिंग की कैपेसिटी एज मदर की तरह होती है। तो ऐसे लोग सर्विस इंडस्ट्री में अगर चले जाएं तो ये लोग बहुत ही आगे तक जाते हैं। कौन कौन सी हमारे ऐसे फील्ड हो सकते हैं, कौन कौन सी सर्विस इंडस्ट्री हो सकती है जिसमें ये नंबर टू वाले बहुत ही ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। तो इसमें हमारा आ जाता है नर्सिंग का प्रोफेशन, डॉक्टर का प्रोफेशन, कंसल्टेंट, ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। स्पेशली जो मन को रिलेट पढ़ने वाली चीजें होती हैं ना, हमारे जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इससे भी रिलेटेड प्रोफेशन अगर चूज करें, या मेडिसिन से रिलेटेड प्रोफेशन चूज करें, फार्मा की लाइन में चले जाएं, अपना मेडिकल शॉप ओपन कर लें,
या आप सेक्रेटरी बन जाएं, या किसी के साथ में पार्टनरशिप कर लें, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी तरह से आप सर्विंग के फील्ड में जुड़ जाइए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जुड़ जाइए, तो ये सेक्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप वाटर से रिलेटेड, डेयरी फॉर्म से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, आप मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हैं। तो ये नंबर वाले कहीं ना कहीं दूसरों को सर्व करने के मामले में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, तो इनके लिए इसी तरह का प्रोफेशन बेस्ट होता है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3/12/21 या 30 को हो जाता है तो आप है मूलांक नंबर 3, या आपका जन्म का बर्थ मंथ नंबर 3 यानी कि मार्च आता है, या आपका जो भाग्यांक है यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जैसे कि यहां पे मैंने एग्जांपल पे दिया हुआ है नंबर 3 पे आ जाता है तो आप गवर्न होते हैं जुपिटर प्लैनेट से। तो जुपिटर की क्वालिटीज कैसी है सबसे पहले उसे समझते हैं, फिर हम बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट करियर कौन से होंगे। तो देखिए जुपिटर है हमारा गुरु ग्रह, तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, फन लविंग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक सोच रखने वाले होते हैं, बहुत ही ज्यादा लॉयल डिवोटीज ये लोग होते हैं और कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। ऐसे लोगों को हर चीज की नॉलेज लेना बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि नंबर 3 जुपिटर है जो हमारा देवताओं का गुरु कहलाया जाता है, यानी कि ऐसे लोग हमेशा शिक्षा को लेने के लिए हमेशा इनमें क्वेस्ट होगी। ऐसे लोगों से आप बोलिए कि स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बोल लीजिए, थोड़ा न्यूज के बारे में, न्यूज चैनल देखना पसंद करते हैं, किसी भी चीज के बारे में ना, आप ब्यूटी के बारे में, किसी बुक्स के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में ये सोचते हैं कि इनके पास थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि नंबर ही है हमारे देवताओं के गुरु जुपिटर का। तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन सा रहेगा? देखो ये है गुरु, ज्ञान ना दे तो कैसे चलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए टीचिंग का प्रोफेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, काउंसलिंग का प्रोफेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। कोई अपना अगर बिजनेस करना चाहे ना तो टीचिंग से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड अगर करें या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करें तो बहुत ही आगे तक जा सकते हैं ये लोग। ये लोगों के लिए कौन से प्रोफेशन और अच्छे हो सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले आप एक अच्छे कमेंटेटर बन सकते हो, एक अच्छे जज बन सकते हो, आप सेल्समैन भी बहुत अच्छे बन सकते हो क्योंकि नंबर 3 आपकी कम्युनिकेशन को भी बहुत ज्यादा एनहेंस कर देता है, आपकी विजडम को भी बहुत ज्यादा एनहेंस कर सकता है। तो यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3/12/21 या 30 को हुआ है, या आपका जन्म मार्च के महीने में हुआ है, या आपका भाग्यांक 3 पे आ जाता है, तो ये सारे प्रोफेशन जो आपको मैंने स्क्रीन पे दिए हुए ना, ये सारे प्रोफेशन आप कर सकते हो। आपका जो दिमाग है, आपका जो सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है, वो ये सारे प्रोफेशन में आपको बहुत ज्यादा सक्सेस प्रोवाइड कराएगा क्योंकि आप हमेशा दूसरों को ज्ञान देके, दूसरों को इंस्पायर करके जो आपको खुशी मिलती है ना, वो खुशी आपको किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं एक मिस्टीरियस नंबर, नंबर 4 की तरफ, जो दिखाता है हमारे राहु प्लैनेट को, यानी कि जिनका भी जन्म 4/13/22 या 31 को हुआ है उनको गवर्न करता है नंबर 4। जिन लोगों का भी जन्म अप्रैल के महीने में हुआ है उन लोगों पे भी ये बात अप्लीकेबल होगी। जिन लोगों का भाग्यांक यानी कि डेट ऑफ बर्थ का टोटल जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नंबर 4 पे आ जाता है तो उन लोगों पे भी मेरी ये बात अप्लीकेबल होगी। आगे बढ़ते हैं कि नंबर 4 राहु का, ये नंबर राहु जैसे मिस्ट्री का प्लैनेट, मैलेफिक प्लैनेट, छाया ग्रह, न जाने क्या क्या बोला जाता है। बड़ा क्या आप जानते हो कि न्यूमरोलॉजी में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नंबर है नंबर 4। ये पूरी कलयुग की दुनिया राहु द्वारा ही गवर्न है। जितनी वेल्थ आपको वीनस यानी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य नहीं देते हैं उससे भी ज्यादा जो वेल्थ देने वाला प्लैनेट है ना वो है हमारा राहु ग्रह। तो आइए इस नंबर 4 को अच्छे से समझते हैं कि यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ है, 31 तारीख को हुआ है, या 13 तारीख को हुआ है, या 22 तारीख को हुआ है, या आपका बर्थ मंथ आ जाता है 4, या आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके आ जाता है 4, तो आप हैं कैसे? अगर आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता लग जाएगा तो आप अपने करियर को बहुत ही आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो ये नंबर 4 इज वन ऑफ माय फेवरेट नंबर आल्सो। तो नंबर 4 वाला व्यक्ति ना बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होता है, सिस्टमैटिक होता है, प्रैक्टिकल होता है, डाउन टू अर्थ होता है, बहुत ही ज्यादा लॉयल होता है। बट ये व्यक्ति दूसरों के समझ में नहीं आता है क्योंकि देखो राहु और केतु को मिस्टीरियस ग्रह कहा जाता है। राहु यानी कि व्यक्ति का सिर्फ सर, तो ऐसे व्यक्ति की महत्वाकांक्षा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसे व्यक्ति के आइडिया आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, बिल्कुल रिवोल्यूशनरी आइडिया होते हैं, क्रांतिकारी आइडिया होते हैं। और ऐसे व्यक्ति है, मैंने कहा कि राहु और केतु की भी अगर आप कुंडली में देखेंगे ना कि कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है इनकी। राहु आपका चंद्रमा की छाया नॉर्थ नोड, केतु आपका साउथ नोड,
कहा जाता है, तो जिसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों को दूसरे लोग आसानी से समझते नहीं और कई बार इन लोगों को उठपटांग बातें इनके साथ करने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति खराब है या ये व्यक्ति ऐसा है। बट नंबर फोर बहुत ही ज्यादा लॉयल्टी का नंबर है। ये नंबर आपको लॉजिक से भर देगा। ये नंबर में जो भी लोग जन्मे हैं ना, वो जिंदगी में देखिए उनकी क्रांति चलती रहती है, और ऐसे लोग दूसरों के लाइफ में भी एक इंस्पिरेशन का कारण बन जाते हैं। ऐसे लोग फेथफुल होते हैं, रिलायबल होते हैं और कंप्लीटली वर्कहॉलिक होते हैं, क्योंकि ये राहु जो सर है वो हमेशा चाहता है कि वो कुछ ना कुछ करता रहे, कुछ ना कुछ सोचता रहे, कहीं ना कहीं कामों में इन्वॉल्व रहे। तो नंबर फोर वाले बहुत ही ज्यादा वर्कहॉलिक देखे गए हैं। इनको बस आपको समझ जाएंगे तो आपको इनसे अच्छा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। और साथ में देखें, ये बहुत ज्यादा लॉयल फ्रेंड भी हैं आपके। आप इनके खुद के फ्रेंड या इनकी फैमिली वाले भी कई बार इनको समझ नहीं पाते हैं इनकी इन्हीं यूनिक क्वालिटीज की वजह से। ऐसा नहीं कि ऐसे लोग खराब होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा लॉयल है, अपने काम को लेकर ना बहुत ज्यादा डिवोटेड होता है, क्योंकि कब काम करने बैठते हैं ना ये लोग, बिल्कुल हटने का नाम नहीं लेते, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन क्या हो सकते हैं? देखो, जो व्यक्ति एकदम कंप्लीटली वर्कहॉलिक है, जो काम को इतनी डीप रिसर्च के साथ में करता है, तो उसके लिए साइंस का प्रोफेशन, यानी कि वो एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है। नंबर फोर जो है राहु का नंबर, मिस्ट्री का नंबर, राहु को कहते हैं फॉग, यानी कि कुछ ऐसी चीज है, जैसे हमने कहा कि ना राहु के तो विजिबल नहीं, कुछ ऐसी चीजें जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी हुई है। जैसे आप ये देखते हो, कोई इमेजेस वगैरह देखते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग देखते हो, एनिमेशन देखते हो, तो ये सारा काम जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है ना, वो सब राहु के अंदर पे आता है, तो आप ये सारे काम कर सकते हो। साथ ही साथ में आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हो, आप एक अच्छे डिजाइनर बन सकते हो, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जा सकते हो, आप लीगल प्रैक्टिशनर बन सकते हो। ऐसे लोग रिकॉर्ड कीपिंग में भी बहुत ही अच्छे देखे गए हैं, तो आपके लिए ये प्रोफेशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो फिर से मैं रिपीट करूंगी, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4/13/22 या 31 तारीख को हुआ है, या आपका बर्थ मंथ 4 है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 आ जाता है, तो आपको ये स्क्रीन पे दिए गए प्रोफेशन में से कोई अगर आप प्रोफेशन चूज करेंगे, तो आप सफलता के शिखर पे 100% पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक जॉली से नटखट से नंबर के ऊपर, वो है हमारा नंबर 5।